जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। जी जान। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद सैफ है, मैं पेशे से एम्प्लॉय हूँ, कंपनी में काम करता हूँ। क्योंकि शेख कंपनी में जो है तो पेमेंट जो है तो बैंक के जरिए की जाती है, अकाउंट के थ्रू की जाती है, और उसमें पीएफ वगैरह कुछ की पीएफ की उसकी कटौती होती है, तो जो सेव पीएफ जो सेव होता है अपना, तो वो उसका उसका क्या सूद में उसके बैंक जो है तो सूद देंगी उसका, और जो है तो बाद में अपना अपन जो अकाउंट में पैसे आते हैं और कुछ दिन अपन अकाउंट में रखते हैं उसको, उसके बाद अपन निकालते हैं, तो उसका क्या मसला सर? जी जज़ाकल्लाह। भाई ने एक सवाल किया, उससे उसी से रिलेटेड दूसरा भी इसमें सवाल आ गया है, वो ये था कि कंपनियों से सैलरी जब मिलती है तो भाई ने का बैंक अकाउंट में आती है और उसके थ्रू हमको मिलती है, फिर पीएफ भी कट होता है, पीएफ पे भी इंटरेस्ट आता है, बैंक में जब तक सैलरी पड़ी होती है उस पर भी इंटरेस्ट आता है, तो क्या करें? पहली चीज़, पीएफ चूंकि गवर्नमेंट रूल है वो मजबूरी है, वो कटेगा उसमें से, ठीक है, एक परसेंटेज कटता है। जब आप कंपनी छोड़ दें या पीएफ अकाउंट बंद कर दें, उसकी जो भी लिमिट है 5 ईयर्स 10 ईयर्स मेच्योरिटी, आप जॉब छोड़ दें, तो तब जब आप पीएफ लेंगे तो उसका पूरा आपको हिसाब मिलता है कि कितना आपको इस पर सूद जनरेट हुआ है इतने सालों में। आप सूद को छोड़ दें, आपका जो असल है वो आप ले सकते हैं, वो जायज़। दूसरा, जो पैसा आप कंपनियों का बैंक्स में पड़ा होता है, जो आपको सैलरी की शक्ल में आता है, पड़े रहने से कुछ सूद जनरेट होता है, उसमें से आप अपना पैसा ले सकते हैं, सूद आपको नहीं लेना है, लेकिन सूद वहाँ छोड़ना भी नहीं है, बैंक को आपको छोड़ना भी नहीं। वजह ये कि अगर आप बैंक को छोड़ देंगे तो बैंक इख्तियारी तौर से खर्च करेगा, और वो कहाँ खर्च करेंगे हम नहीं जानते। मिसाल के तौर पर खून खून है, उसमें ताकत और तवाना ही है, अब वो दुश्मन को चढ़े या दोस्त को चढ़े, ताकत दे देंगे उसको, पैसा पैसा है, समझ रहे आप? तो लिहाजा आप निकालें, और निकालने के बाद उस पैसे को उस शख्स को दे जिस पे हराम वाजिब है, जिस पे हराम वाजिब, मतलब ऐसा मजबूर शख्स कि जो कचरा उठाकर खा रहा है, नंगा रहता है, बगैर कपड़े के लोग, मर्द और औरतें, आप देखिए कई जगह रहते बैठे हुए, ये वो लोग हैं, या तो चुरा कर कपड़े पहने या तो नंगे रहे, चुरा कर खाना खाए या तो भूखे रहे, ऐसे लोगों को आप बहरहाल ये पैसे दे सकते हैं, उनकी मदद हो जाएंगे, लेकिन इसमें सवाब की नीयत मत रखिए, आपको कोई अजर नहीं मिलेगा, समझ गया? रहा दूसरा एक